तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जब हम वीडियो बनाते हैं तो वो हम पब्लिश कर देते हैं, उसके बाद उस पर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी वीडियो जो है अच्छी खासी रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। फिर हमें वहाँ पे थोड़े पैसे खर्च करने होते हैं और गूगल एडवर्ड के थ्रू हमें एड चलाना होता है। जब ये वो वीडियो थोड़ा सा चल जाती है, अच्छी वॉच टाइम आ जाती है, तो ऑटोमेटिक यूट्यूब उसे प्रमोट करने लगता है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने लग जाते हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? मैंने भी गलती की है। बहुत पहले मैंने एक वीडियो रन किया था गूगल एडवर्ड के थ्रू और उसमें मुझे 1 रुपए का 1 व्यूज़ पड़ा था। सोचो कितना महंगा था। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा छिड़कानी करने के बाद मुझे पता लग गया कि किस तरह से हम कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज ला सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें एड में सेटिंग करना होता है। कस्टम हम खुद अपने आप से उसमें टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को, कि किस किस ऑडियंस को दिखाना है, कितना पैसा हम खर्च करने हैं, 1 व्यूज के ऊपर कितने पैसे हमें देना है, सारी चीज़ें हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमें कम पैसे खर्च करके ज़्यादा व्यूज ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमें क्या करना होता है। तो अभी हम हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हमें सर्च करना है गूगल क्रोम में या फिर जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसमें गूगल एड्स डॉट कॉम पर जाएंगे। अगर आप नए यूज़र हो, अगर इसमें साइन अप करते हो, तो आप अगर 2000 रुपये खर्च करते हो तो आपको 2000 रुपये बोनस मिल जाएगा आपके जीमेल अकाउंट पर, वहाँ से आप उसको रिडीम कर सकते हो। तो मेरा ये अकाउंट बहुत ही पुराना है, करीब 3-4 साल पुराना है, तो इसमें मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे सारे पैसे खुद ही लगाने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले साइन इन कर लेते हैं। तो अभी हम देख सकते हो यहाँ पे लॉगिंग है अपने एडवर्ड में और यहाँ से हमें क्या करना है, न्यू कैंपेन पे रन करना है। ठीक है, तो इसमें हमें कोई भी ऑप्शन जो इन्होंने खुद से दिया हुआ है इस पर हमें क्लिक नहीं करना है, क्योंकि इस पर हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो इस पर हम करेंगे क्लिक। उसके बाद हम वीडियो एड रन करेंगे, तो इस पर वीडियो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम वीडियो कैंपेन पे क्लिक, इसमें से कोई भी अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर लेंगे। मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और वीडियो भी लंबी ना हो। अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से सारे चीज़ें खुल के आ गई। यहाँ पे देखो वीडियो कंपेन और यहाँ पे हम इसको नेम लिख लेते हैं। अब यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे देखो हमने कंपेन नेम लिख लिया, उसके बाद ये जो बीडिंग का ऑप्शन है ना, इसको हम देखो कभी भी ये टारगेट सीपीएम पे नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम सीपी मतलब क्लिक पर व्यू, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो जितने लोगों को इम्प्रेशन आएगा उतना हमारा पैसा कट जाएगा, लेकिन इस पर जब आदमी क्लिक करके देखेगा तभी पैसा कटेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना, इस पर क्लिक करके रखना। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हमारा बजट क्या है, तो यहाँ पे हम बजट सेट कर लेते हैं 200 रुपये। और देखो अब इसे हमें स्टार्टिंग डेट क्या है, तो 4 जुलाई 2020, तो आज है 4 तारीख, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे आज से, और इंड डेट जो है हमारा 1 दिन का कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आज 4 तारीख है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और यहाँ पे इंड डेट जो है हमारा कहाँ गया, 5 तारीख को हम इसको मतलब 1 दिन के लिए एड रन करेंगे। ठीक है, जुलाई 2020, ठीक है, 5 तारीख को हम इसको देखो यहाँ पे। अब क्या होगा, हमारा डेली जो है बजट अमाउंट हो गया, 2 दिन के लिए एड चलेगा, 100-100 रुपये डेली जो है हमारा बजट सेट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे नेटवर्क में जाएंगे और नेटवर्क में हमें क्या करना है, ये नीचे वाला हटा देना है, बाकी ये सब सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि किसी भी टारगेटेड लोकेशन पे जाना, तो यहाँ पे इंटर एंड अदर लोकेशन पे क्लिक करके, या फिर आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो किसी भी स्टेट में जाके, आप वहाँ पे टारगेट कर सकते हो, इसी स्टेट में हमारी जो वीडियो है दिखानी चाहिए। ठीक है, अब इसको भी हम कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है हमें हिंदी, अगर हमारी वीडियो हिंदी में है तो, जिस लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो आपको यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि टारगेटेड हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट करना है कि हमारी वीडियो वही लोग देखें, कोई दूसरा ना देखे, तो हमारी वीडियो जो है हिंदी में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चीज़ है ना, इसको हमें इस पर एक्सटेंड करना, और उसके बाद हमें इस वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आपको बस सेम जैसा ही करना हो वैसे कर देना है। ठीक है, और इस वाले लेवल पे हम जब देखो इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला हटा के हमें ये दोनों वाले पे क्लिक करना है। अब इसमें क्या है कि जो लाइव स्ट्रीम चलते उसमें चलेगा, और यहाँ पे वीडियो के अंदर हमारा एड देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एड ग्रुप नेम है, तो हम क्या करेंगे, या इसको हम अपने हिसाब से जो भी चाहे नाम लिख सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे लिखा गया है भी छोड़ सकते हैं। अब इस वाले ऑप्शन में क्या करना है, देखो ये जो है ना,
यहाँ पे हमें टारगेट करना है उन लोगों को जो हमारी वीडियो देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ये दोनों सेलेक्ट करके रखेंगे, ये वाला हटा देंगे, ठीक है, ये सब हटा देंगे, ठीक है। तो इस एज के लोगों को हमारी वीडियो देखने मिल जाएगी। अगर आपके ऑडियंस यहाँ 44 साल तक के आते हैं तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप अपने YouTube स्टूडियो में जब जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस किस साल तक के लोग आपकी वीडियो को देखते हैं। तो हम यहीं तक रहने देते हैं। तो अब ये वाला ऑप्शन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारी वीडियो किस टॉपिक पे, हम उस हिसाब से लोगों को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मीडिया एंटरटेनमेंट है, ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ डीप में जाके। तो अगर आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे भी आइडिया आप ले सकते हो। यहाँ भी नहीं मिल रहा आपको तो आप यहाँ पे ब्राउजर में जाओगे, और ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो आप इसमें क्लिक करोगे, देखो कितने सारे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिल गए। देखो तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं मीडिया एंटरटेनमेंट, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो मीडिया एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे ये जो कीवर्ड है इसको हम छोड़ देंगे। अब बीडिंग जो है यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, अब यहीं पे है जो हम सब कुछ कर सकते। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 10 पैसा लिखा है, यानी कि हमारी जो वीडियो है उसका एड जो है 10 पैसे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी आप क्लिक करेगा तो 10 पैसे ज़्यादा नहीं कटेगा, उससे कम हो सकता है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम जितना प्राइस डालेंगे उसी के अंडर हमारी वीडियो चलेगी एड में। तो 10 से नीचे आप मत रखना क्योंकि अप्रूव नहीं होता है जल्दी। तो अगर 10 रखोगे तो अप्रूव होने का चांस ज़्यादा रहता है। अब अगर आपकी वीडियो ज़्यादा चल रही है, मतलब ज़्यादा एड आ रहा है, तो आप इसको कम कर सकते हो। अगर लग रहा है कि वीडियो एड जो है बहुत कम आ रहा है तो आप इसे एक दो पैसा और बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम रेट फिक्स कर लिए। अब यहाँ पे हमारा जो है वो वीडियो आएगा। तो अब यहाँ पे हमें अपना वीडियो का लिंक डालना है। तो हम जाएंगे अपने स्टूडियो में और यहाँ से हम इस वाले को यहाँ से गेट शेयरेबल लिंक कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारे वीडियो जो यहाँ पे शो होने लगा। अब यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, इसकी केवल एड नहीं करना है, हमको यहाँ पे डिस्कवरी एड चलाना है, ठीक है। अगर इस पर आप करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो इसको हम डिस्कवरी एड कर देंगे। और ये हमारा थंबनेल रहेगा। बाकी यहाँ देखो थंबनेल यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कौन कौन सा। अब यहाँ पे हमें मोबाइल पे चलाना है, मोबाइल सेलेक्ट कर लेंगे मोबाइल। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखो 700 मिलियन इंप्रेशन आ सकता है। यहाँ पे व्यूज़ देखो, व्यूज आ सकता है 3000 से 11000 इंप्रेशन, इतना मिलेगा, ठीक है, जितना हमने पैसा लगाया है 200 में। तो करीब 87000 से 310000 इंप्रेशन आ सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 5 से 11 पैसे यहाँ पे हमारा जो एवरेज व्यूज पर कॉस्ट होगा यहाँ पे वो हो गया है। अब सब कुछ यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारी हेडलाइन लिखना है, ठीक है। हेडलाइन में कोई भी ब्रांड का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आप डिस्क्रिप्शन में भी नहीं होना, जैसे YouTube हो गया, Instagram हो गया, फिर कुछ हो गया। तो हमको उस तरह का ब्रांड में थोड़ा सा चेंजेस लाना है, मतलब डायरेक्टली उस चीज़ को नहीं लिखना। अगर YouTube है तो YT लिख सकते हो, Instagram है तो IG लिख सकते हो, या फिर Insta लिख सकते हो, Facebook है तो FB लिख सकते हो। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा मिस स्पेलिंग करनी है, ठीक है। डायरेक्टली टारगेट नहीं करना है कि हमारी जो वीडियो है, जैसे TikTok नहीं लिख सकते, बहुत सारी TikTok के ऊपर है, तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे जिससे ये लगे कि ये डिसअप्रूव हो जाए, ठीक है। अप्रूव होना बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तो कोई भी ब्रांड का नाम हम यहाँ पे नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने हेडलाइन लिख ली है। अब यहाँ पे हमने कोई भी ब्रांड नहीं यूज किया है, फिर यहाँ पे मस्ट वॉच, यहाँ पे वॉचफुल वीडियो, और ये सब हमको चारों में लिखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे हमारा मोबाइल पे क्लिक है और यहाँ पे क्रिएट कैंपेन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन योर कंपेन इज रेडी। अब हमको यहाँ पे एक्सपेंड करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे हम पूरी डिटेल देख सकते हैं। देखो एड नेम ये है, वीडियो डिस्कवरी एड चल रहा है, और यहाँ से आप कंटिन्यू टू कंपेन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो आप पहले रिसर्च कर लेना, उसके बाद इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू हो चुका है। अब ये हमारा जो एड है, यहाँ पे देखो वीडियो कस्टम, देखो यहाँ पे 10 पैसे सेट है डिस्कवरी एड। अब ये हमारे पास ईमेल के थ्रू मैसेज आ जाएगा, जब ये अप्रूव हो जाएगा उसके बाद एड चलने लग जाएगा। यहाँ पे बजट 200 सेट है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें कर ली आपके सामने, आप भी इस तरह से एड चला सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है और आप सोच रहे हो कि हम एड चला के उसको पूरा कर लेंगे, तो ये जो वॉच टाइम मिलेगा हमको ये क्रिएटर स्टूडियो में काउंट नहीं होता है।
आपके जेनुअन व्यूज चाहिए होते हैं, जो 4,000 घंटे 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, वो आपके जेनुअन होना चाहिए। अब ये नहीं कि एड चला के आप सब्सक्राइबर और व्यूज ला लोगे या फिर आप वॉच टाइम पूरा कर लोगे तो वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। हाँ, ये काम कर सकते हो कि आप अगर ये एड चलने लगेगा तो आपको थोड़े बहुत व्यूज मिल जाएंगे, उससे क्या होगा कि आपकी वीडियो प्रमोट होने लगेगी, लोगों को ज़्यादातर दिखाई देने लगेगी, तो उसके ऊपर जो जेनुअन व्यूज आएंगे वही काउंट होगा। तो आप ये सोच के कभी मत एड चलाना कि हमारा वीडियो जो है, हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा, तो इससे मोनेटाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ समझ गए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय।